बच्चों, सभी लोग देखेंगे ग्रीन बोर्ड की ओर। यहां पर हमने बहुत ही महत्वपूर्ण परिमाप ज्ञात करने संबंधित प्रश्नों को लिया है, ठीक है। और ये प्रश्न बेटा आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, और यहीं से आपको परिमाप ज्ञात करने संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पूरी संभावना है। क्योंकि ये जो प्रश्न हमने लिया है ये आपकी प्रीवार्षिक परीक्षा और सैंपल पेपर्स जो 1 से 6 तक है उनसे लिया, ठीक है। हम कुल 6 प्रश्नों को हल करेंगे और 6 में से ही कोई ना कोई प्रश्न आपको परीक्षा में आ सकता है, ठीक। सबसे पहला प्रश्न देखिए, एक वर्गाकार कैरम बोर्ड की भुजा की लंबाई 80 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप ज्ञात करो। यह प्रश्न प्रीवार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र में और सैंपल पेपर 1 में, ये दोनों में दिया हुआ है, ठीक है। अब बेटा सबसे पहली बात तो ये है कि परिमाप यानी क्या होता है, बहुत संक्षेप में समझ लो। परि का मतलब होता है चारों ओर, परि का मतलब क्या होता है, चारों। हिंदी का शब्द बेटा परि, ठीक। तो परि का मतलब चारों ओर होता है, जैसे ये ग्रीन बोर्ड है, इसके चारों ओर अगर हम घूम जाए तो इसका क्या कहलाएगा, ये इसका माप कहलाएगा, चारों ओर का माप कहलाएगा। यानी परिमाप का मतलब क्या हुआ, किसी भी आकृति के चारों ओर की माप परिमाप कहलाती है। समझ में आ गई बात कि नहीं आई, आगे ना भाई, याद रखो परि का मतलब चारों ओर और माप का मतलब गिनना। यानी जब हम किसी भी आकृति के चारों ओर की माप को गिन लेते हैं, हो सकता है ये माप सेंटीमीटर में दी गई हो, मीटर में दी गई हो, मिलीमीटर में दी गई हो, डेकामीटर में दी गई हो, डेसीमीटर में दी गई हो, हेक्टोमीटर में दी गई हो, कोई भी मात्रक हो सकता है, फुट में दी गई हो, इंच में दी गई हो, गज में दी गई हो, कोई भी मात्रक में दी हो सकती है, ठीक है। आपको गिन लेना है, जैसे फुट में दिया है मान लो, उदाहरण के लिए ये ग्रीन बोर्ड यहां से यहां तक मान लिया गया 6 फुट है और यहां से यहां तक 3 फुट है, ठीक है। जब ये 6 फुट है तो ये जो ग्रीन बोर्ड है ये आयताकार है, आयत के आकार का, तो आयत में आमने सामने की जो भुजा है ये बराबर लंबाई की होती है, तो ये 6 फुट, तो ये भी 6 फुट होगा, ये 3 फुट है तो ये भी 3 फुट होगा। इस तरह आपको पता हो गया कि ये 6 फुट, ये 3 फुट, ये 6 फुट और ये 3 फुट, 6 और 3 9, 9 और 6 15, 15 और 3 18 हुआ। तो इस ग्रीन बोर्ड का परिमाप कितना हुआ, 18 फुट हुआ। परिमाप को फुटे में गिनते हैं, सेंटीमीटर में गिनते हैं, जो माप दी गई रहती है उसी में गिनते हैं, जबकि क्षेत्रफल में हम पहले वर्ग लगाते हैं, आयतन में हम पहले घन लगाते हैं, है ना। परिमाप में ऐसा कुछ नहीं लगाते, फुट में दी गई माप तो फुट बोल दो, बस पूरे आसपास को जोड़ दो और लिख दो इतने फुट, इतने इंच, इतने सेंटीमीटर, इतने मीटर, ठीक। yes. समझ में आ गया बेटा आप बात इतनी आपको। yes. हाँ, तो देखिए यहां पर जो सवाल दिया है उसके मुताबिक आपको थोड़ी कल्पना करनी पड़ेगी कि एक वर्गाकार कैरम बोर्ड है, वर्गाकार कहेंगे तो वर्ग के आकार का, वर्ग का आकार कहे तो सभी भुजाएं एक बराबर लंबाई की। यानी आप कल्पना कर लीजिए कि कैरम बोर्ड का आकार ऐसा होगा, कैरम बोर्ड आपने देखा है। yes. इस प्रकार वर्गाकार यानी इसकी ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, सभी भुजाएं एक बराबर लंबाई की होगी। हाँ बेटा, अभी हम समझ लेते हैं, फिर आप जरूर बताना, है ना। yes. है ना। तो देखिए अब हम आगे पढ़ते हैं, एक वर्गाकार कैरम बोर्ड की भुजा, आप ऐसे चित्र बना लीजिए पहले जब सवाल हल करोगे तो, ठीक। yes. कि लंबाई 80 सेंटीमीटर है। अब 80 सेंटीमीटर का मतलब यह है कि एक भुजा की लंबाई 80 सेंटीमीटर, ये मान लो इसकी 80 सेंटीमीटर है, ठीक है। कह रहा है ना कि भुजा की लंबाई यानी एक भुजा की, सभी भुजा की नहीं, यहां पर कह रहा है एक भुजा, मतलब यहां एक लिखा नहीं है, केवल भुजा लिखा है। इसका मतलब यह हुआ कि इस वर्ग की एक भुजा की लंबाई 80 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप ज्ञात करो।
ठीक है बेटा। अब हमने आपको परिमाप के बारे में क्या बताया कि चारों तरफ की लंबाइयों को जोड़ना है। अगर आपको सूत्र नहीं बनता है, वर्ग का परिमाप का सूत्र नहीं बनता है, आयत के परिमाप का सूत्र नहीं बनता है, कोई बात नहीं, मत बनने दो। आप क्या कर सकते हो, आपको ये तो पता है कि परिमाप में सभी जो आसपास की लंबाई सबको जोड़ देते हैं, हो गया, और जो जोड़ आता है वही परिमाप होता है। ठीक है yes। तो सबसे पहले इसको हल करने के लिए बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हल लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, हल। परीक्षा में आप लोग जब प्रश्न करेंगे सबसे पहले देंगे यहां पर हल, ठीक है yes। और यहां लिखेंगे सबसे पहले क्या, भुजा की लंबाई बराबर 80 सेंटीमीटर, ऐसा लिख देंगे और ऐसा चित्र भी बना लेंगे केरम का, और एक भुजा की लंबाई भी बता देंगे। अब आपको कल्पना करना है, ये मानना है कि भैया वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती हैं yes। तो जब ये 80 सेंटीमीटर तो ये भी 80 होगी, ये भी 80 होगी और ये भी 80 सेंटीमीटर ही होगी, है ना yes। तो आपको अगर सूत्र नहीं बनता है तो आप क्या लिख सकते हो, परिमाप बराबर सभी भुजाओं का योग, ऐसा करके क्या करोगे, परिमाप बराबर सभी भुजा को 80 धन 80 धन 80 धन 80, ठीक है yes। चार बार क्योंकि 1 2 3 4 भुजाएं है ना, तो यहां से यहां तक लंबाई, 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 सबको जोड़ देंगे और सभी 80 80 हैं। तो अब इसको जोड़ेंगे बेटा, तो आप चाहो तो कैसी स्थिति, खड़ी स्थिति में भी, ऊर्ध्वाधर स्थिति में जोड़ सकते हो, ठीक। शून्य और शून्य और शून्य शून्य, कितना आया, शून्य। 8 और 8 16 8 16 और 8 24 और 8 32 32। अब कोई अंक जोड़ने का है क्या, नहीं है जी। कितना आ गया, 320 320। तो यहां पर आपको सीधे उत्तर बराबर 320 का में दिया है, सेंटीमीटर में दिया है क्या, तो सेंटीमीटर लिख दिए बस, ये होगा आपका हल, ठीक है yes। कोई दिक्कत है क्या, नहीं नहीं है। हालांकि ये जब वर्गाकार दिया है तो वर्ग का सूत्र है बेटा, परिमाप निकालने का वर्ग का सूत्र भी है, और वो सूत्र क्या है, भुजा गुणित 4। वर्ग का परिमाप सूत्र वर्ग, वर्ग का परिमाप बराबर भुजा गुणित 4। भुजा ये देखो हम हल करके बताते हैं, समझ में आ गया आप लोगों को yes। हाँ, अब ये चूंकि जो केरम है ये केरम वर्गाकार है बेटा, कैसा है, वर्गाकार, और वर्ग का परिमाप निकालने का सूत्र ये होता है, वर्ग का परिमाप बराबर भुजा गुणित 4, ये सूत्र है। भुजा का मतलब ये जो भुजा दी गई थी, ये भुजा की लंबाई, ये भुजा की लंबाई है, ठीक है। तो हम यहां बराबर करके क्या करेंगे, भुजा 80 सेंटीमीटर और गुणित उसमें 4 कर दिए, तो 4 2 9 4 8 32 आ गया 320 उत्तर बराबर 320 सेंटीमीटर, ऐसा आपको उत्तर लिखना भी आवश्यक है, तभी आपको पूरे अंक मिलेंगे, और स्टेप बाय स्टेप पूरा हल भी करना है आपके उत्तर पुस्तिका में, केवल उत्तर नहीं लिख देना है, आपको पूरा हल करके भी बताना है। कर लोगे बेटा yes। यदि आपको सूत्र नहीं बनता है, भूल गए हो सूत्र मान लो, तो कोई बात नहीं, जितनी भुजाएं हैं भैया सबको जोड़ दो, बस लिख दो परिमाप बराबर सभी भुजाओं का योग, और सभी भुजाओं को जोड़ दो, ठीक है yes। हो गया, निकल गया परिमाप, बन जाएगा yes। चलिए अगला सवाल, नीचे दी गई आकृति का परिमाप ज्ञात करो, और ये सेम पर पेपर नंबर 2 में पूछा गया है, और ये आकृति आप देख रहे हैं बेटा, ठीक है। इस आकृति में कितने वर्ग है, 1 2 3 4 5 6 और यहां पर 10 लेकर 4, तो 6 चौके 24 पूरे वर्ग हैं, पर हमको क्षेत्रफल नहीं निकालना है, अगर क्षेत्रफल कहता मानो तो वर्गों भी लेते और लेकिन 24 वर्ग सेंटीमीटर लिख देते, बस हो गया, परंतु हमको निकालना परिमाप, तो परिमाप हम क्या करेंगे भैया,
चारों तरफ की क्या करेंगे, चारों तरफ की लंबाई को जोड़ेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। ये लंबाई, ये लंबाई, ये लंबाई और ये लंबाई, ठीक। अब तुम देख रहे हो यहां पर कि यहां तो ये भुजा की लंबाई दी गई है कितने सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। ये भुजा की लंबाई दी गई है कितने सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। अब इसकी नहीं दी गई है, इसकी नहीं दी गई है, तो परिभाव निकालोगे क्या? कैसे निकालोगे? सपना समझ आ गई ना? ये एक आयताकार आकृति है और आयताकार आकृति में क्या होता है कि आमने सामने मतलब इसके सामने ये भुजा है, इसके सामने ये भुजा है, तो ये आमने सामने की भुजा एक बराबर लंबाई की होती है। तो ये जब 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगी, ये 4 सेंटीमीटर ये 4 सेंटीमीटर होगी। तो आप क्या देख सकते हो, 6 और यहां पर 4। अब आपको सूत्र नहीं पता मान लो तो लिख दो, यहां हर लिखना जरूरी बेटा है। परिमाप बराबर सभी भुजाओं का योग या जोड़, आप योग को जोड़ भी लिख सकते हो, ठीक है। और जोड़ दी भैया, पहले 6 धन 4 फिर धन 6 धन फिर ये 4, 6 और 4 10 और 4 14 14 और 6 20। उत्तर बराबर 20 सेंटीमीटर में दिया नहीं वाला, तो सेंटीमीटर उत्तर यहां है, ठीक है। यदि आपको सूत्र से करना है तो भाई आयत के परिमाप का सूत्र होता बेटा, हम बता देते हैं आपको, क्योंकि ये एक आयताकार आकृति है इसलिए हम क्या लिखेंगे, आयत का परिमाप बराबर 2 गुणितन लंबाई धन चौड़ाई, ये परिमाप का सूत्र होता है, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। अब यहां 2 लिखते हैं, लंबाई क्या रही है 6, धन चौड़ाई क्या रही है 4, है ना, ये लंबाई है चौड़ाई। अब कर दी बेटा यहां पर 4 और 6 को जोड़ दो, यहां 2 और कोष्टक के अंदर 4 और 6 कितना हो गया 10, और यहां कोष्टक के बाहर 2 है, इसका मतलब इनके बीच में गुणा है, तो यहां हो जाएगा 2 गुणित 10 बराबर 10 गुणित 20। उत्तर बराबर, पर बेटा इसमें क्या है, आप कंफ्यूज हो जाओगे और उत्तर भी गलत कर सकते हो, इसलिए हमने जो आपको बताया है परिमाप निकालने का सूत्र लिख दो, परिमाप बराबर आकृति की सभी भुजाओं का जोड़, इतना लिख दिए और नीचे सभी भुजाओं को एक तरह जोड़ दिए और जो जोड़ आया उसको उत्तर बराबर लिख दिए, हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तीसरा सवाल देखिए, एक वर्गाकार कैरम बोर्ड की भुजा की लंबाई 90 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप ज्ञात करो, यहां पर कितने सेंटीमीटर था 80, यहां कितना हो गया 90 करना वही है भैया अपने को, हम कैरम बोर्ड बना ले, यहां देखिए सबको पहले हल और ये बेटा सैंपल पेपर नंबर 3 से दिया गया है, ठीक है। हल लिखे और सबसे पहले आप क्या बना लो, एक कैरम बोर्ड बना लो, और कैरम बोर्ड कैसा वर्गाकार है, अर्थात कैरम बोर्ड को ऐसा बना लो कि सभी भुजा एक बराबर माप की हो, और एक भुजा कितने की, इससे 90 की, कोई भी एक भुजा को 90 लिख दो, अब सभी 90 सेंटीमीटर भी है ना, सेंटीमीटर लिखना अनिवार्य है, और जब क्योंकि वर्ग है ये तो वर्ग में ये भी 90 है, ये भी 90 होगी, ये भी 90 होगी, और ये भी 90, चारों भुजा लंबे याद हो गए हमको, हो गए यार। अब हम यहां पर लिख दो, परिमाप बराबर सभी भुजाओं का जोड़, अर्थात सभी भुजाओं को जोड़ना है, तो परिमाप बराबर सभी भुजा जोड़ो 90, ये पहली भुजा धन, ये 90 दूसरी भुजा, धन 90 तीसरी भुजा, और धन 90 चौथी भुजा, 0 0 0 0 कितना आया 0, 9 और 9 18, 9 किया 36, कितना आया 300, यहां आगे क्या लिखेंगे सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यों लिखेंगे, क्योंकि माप सेंटीमीटर में दी गई है, 30
से लिखे उत्तर बराबर लिखो, उत्तर बराबर 360 सेंटीमीटर। अब चूंकि ये वर्ग है तो वर्ग का सूत्र लगाकर भी हल कर सकते हो, इसको भी यहां सूत्र लगा है। वर्ग का परिमाण बराबर भुजा गुणित 4, यहां 80 दिया था, यहां 90 दिया है, तो 80 जगह क्या कर दो 90, यहां पर 90-90 आ गया है सब जगह, तुम देख रहे हो ना। तो इसमें 9 × 0 = 0, 9 × 0 = 36, उत्तर बराबर क्या जाएगा 360 सेंटीमीटर। बड़ा सरल है, परिमाप निकालना सबसे सरल, ठीक है। अगला सवाल, प्रश्न 4, ये सेपर पेपर नंबर 4 में दिया है बेटा, नीचे दी गई आकृति का परिमाप ज्ञात करो। ये आकृति दी गई है और ये आकृति इसके समान ही है। यहां पर कितने वर्ग, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 1, 2, 3, 27 वर्ग है। यदि क्षेत्रफल निकालने को कहता तो सीधे 27 वर्ग सेंटीमीटर हो जाता, पर परिमाप क्या है, मतलब ये चारों तरफ की भुजाओं को जोड़ना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले हल लिखेंगे यहां पर, और इसमें तो ये आकृति बनी हुई है, केवल आपको माप लिखना है, क्योंकि यहां माप नहीं दी गई, यहां माप नहीं दी गई है। सपना यहां से कहा आएगा 9 सेंटीमीटर और यहां पर कितना आएगा 3 सेंटीमीटर। अब अपने को परिमाप निकालना है तो सूत्र लिखो ऐसे, परिमाप बराबर सभी भुजाओं का जोड़, क्योंकि आपको सूत्र याद नहीं रह पाएगा इसलिए बोल रहे हैं, और जोड़ दो, यहां शुरू करो, परिमाप बराबर, यहां परिमाप लिख दो, परिमाप बराबर पहले कितनी 9 धन, दूसरी कितनी है 3 धन, तीसरी कितनी 9 धन, चौथी कितनी है 3, 3 और 9 12, 12 और 3 15, 15 और 9 कितना आया 24। देखो 3 और 9 12, 12 और 3 15, ठीक है, और 15 और 9 24, ठीक है। अब यहां पर सेंटीमीटर आया, क्या आएगा सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि सेंटीमीटर माप दी गई है। उत्तर बराबर 24 सेंटीमीटर। आयत के परिमाप में करना था सूत्र में, तो यहां पर 2 गुणित लंबाई से चौड़ाई दिया गया है, तो यहां पर लंबाई कितनी है 9, तो यहां पर कर देते 9, और चौड़ाई कितनी है 3, तो यहां पर जाके 3 कर देते, 3 और 9 यहां हो जाता 12, और 12 × 2 = 12 × 24, उत्तर बराबर 24 हो जाता, ठीक है। सूत्र लगा करोगे तो और ज्यादा नंबर मिलेंगे, अगर सूत्र भूल गए हो नहीं बनता है तो सभी भुजाओं का योग तो लिख सकते हो ना, और सबको जो लिख तो सकते हो ना, बस। और पांचवा सवाल है, एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। बेटा ये बड़े महत्वपूर्ण सवाल है और इनको अच्छी तरीके से समझिए, एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, यदि चौड़ाई 20 मीटर है तो उसका परिमाप निकालिए। सबसे पहले क्या है, एक आयताकार खेत, अब तुमको आयत का आकार पता है ना, लंबाई और चौड़ाई है ना, ये जगह लंबाई होगी, ये चौड़ाई होगी, ऐसा खेत बनाओ, यहां से तुम्हें हल लिखो, हल और तुम्हें खेत बना दो, ऐसा आयताकार ये छोटा सा, और इसमें क्या कह रहा है, खेत की लंबाई, जो ये लंबाई है इसकी, ये लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, चौड़ाई कितनी है 20 मीटर, यानी को पता कि चौड़ाई कम होती है हमेशा लंबाई से, लंबाई से चौड़ाई कम होती है, लंबाई ज्यादा होती है ना, तो ये 20 क्या क्या मीटर दिया है यहां पर, ये मीटर, ठीक है। अब बेटा हमको परिमाप निकालिए, आपको मालूम है कि सभी भुजाओं को जोड़ना पड़ता है, तो सभी भुजाओं के माप निकल के आना चाहिए, तो भाई ये 20 मीटर है, इधर 20 मीटर हो जाएगी, ये तो आपको पता हो गया है ना, किंतु अभी ये लंबाई पता नहीं है, और लंबाई क्या दिया यहां पर, लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी, जितने गुनी कह रहा है उसका गुणा कर दो चौड़ाई में, ठीक है। तो लंबाई बराबर चौड़ाई कितनी है 20 मीटर, और 20 की कितने गुना है 3, 3 का गुणा कर दो, 3 × 9 = 3 × 6, कितना आ गया
60 मीटर आ गया। जब ये 60 है तो ये कितना होगा? 60 होगा। अब वही यानी तो खेत का परिमाप बराबर सभी भुजाओं का जोड़ दो। यहां शुरू करो, 60 धन 20 बराबर शून्य 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 का शून्य, दो और छह 8, 8 और दो 10, 10 छह 16 है ना? यस। कितना आया? 160। ठीक है यस। अब एक बार क्या मीटर आएगा, सेंटीमीटर आएगा? मीटर। ध्यान से उत्तर बराबर 160 मीटर। ठीक है यस। किस प्रकार? किंतु ये आकृति आयताकार है इसलिए आयत का सूत्र भी लगा सकते हो। ये दो धन लंबाई की चौड़ाई, लंबाई कितनी है 60 और चौड़ाई कितनी है 20, तो यहां पर 60 और यहां पर 20 रख दो, इन दोनों को जोड़ दो 60 और 20 80। ठीक है, यहां 80 में फिर दो को गुणा कर दो यानी बोला जाएगा 160 मीटर। ठीक है yes। परंतु कभी कभी क्या होगा, आप सूत्र अगर भूल जाओगे मान लो या कंफ्यूज हो जाओ भूल जाओगे, इसलिए ज्यादा अच्छा बेटा सभी भुजाओं को जोड़ दो तो कम से कम उसको नंबर मिल जाएगा आपको। ठीक है yes। इस तरह ये सवाल भी जो है छठवा जो कि सैंपल पेपर नंबर 6 में दिया गया है ये भी इसके समान ही है, थोड़ा सा इसमें माप बदल दिया गया है। बस देखो क्या लिखा है, एक आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई की दो गुनी है। कितने गुनी यहां कह रहा है? दो गुनी है। यदि चौड़ाई 50 मीटर है, यहां पर क्या आ जाएगा बेटा? तभी है हाथ में बताते हैं, चौड़ाई कितनी है? 50। यानी चौड़ाई यहां लिख दो 50 मीटर। ठीक है, तो खेत का परिमाप ज्ञात करो। अब बेटा 50 मीटर चौड़ाई है और लंबाई दुगुनी है, तो दुगुनी मतलब दो का गुणा करना है, यानी यहां पर क्या जाएगा 50 गुणे का 2 बराबर कितना आ जाएगा 100। यानी यहां पर लंबाई कितनी आ जाएगी? 100 मीटर और ये 50 मीटर। अब कर सकते हैं, यहां पर जोड़ देंगे हम, यहां पर 100 कितना 50, फिर यहां 100, फिर यहां पर 50, शून्य 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 का शून्य, 5 और शून्य 5, 5 और 5 10 का शून्य, फिर ठीक है, फिर हासिल का 1, 1 और 1 2 और 1 3, कितना आया? 300 मीटर। यहां जाएगा 300 मीटर। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। ये दोनों सवाल सेम टू सेम है, समझ आ गई बेटा? यदि आपको दो गुनी कह रहा है दो का गुणा करना है, तीन गुनी कह रहा है तो तीन का गुणा करना है, चार गुनी है कह रहा है तो चार का गुणा करना है, जितने गुना कह रहा है चौड़ाई उतने गुणा करके उसकी लंबाई निकाल सकते हो। और परिमाप तभी निकलेगा जब सभी भुजाओं की लंबाई आपको ज्ञात हो गई है, तभी आप कर सकते हो। ठीक है बेटा yes। समझ में आ गया yes। कि नहीं आया? आ गया। कर लोगे पूरे सवाल yes। बहुत बढ़िया, बोलिए जय हिंद yes।